फ्रेंड्स, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये हफ्ता पहले का लिया गया है और सुबह का टाइम था। आसपास धुंध छाई हुई थी, मौसम पल में बदल रहा था। कभी धूप लग रही थी और कभी बारिश हो रही थी, कभी कभी तो धूप और बारिश इकट्ठे हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पल को अपने कैमरे में कैद कर दूं, तो मैंने ये वीडियो बनाई थी। एवरीवन, सुनीला प्रॉड पहाड़ी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा है कि मौसम किस तरह से खुल भी रहा है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी लगी है। तो हमारे पहाड़ी बोली में कहा जाता है, एक कहावत है कि जब इस तरह से मौसम होता है, थोड़ी धूप भी लगती है और थोड़ी बारिश होती है, तो बोलते हैं कि रीछ और शेर की शादी हो रही होती है। तो शायद आज भी रीछ और शेर की शादी हो रही है। तो मैं आसपास का जो नज़ारा होता है पहाड़ों का, बहुत खूबसूरत, और जिसमें धुंध भी है, हरियाली है, हवा भी है और खूबसूरत सुबह भी है, तो मैं ये व्यू निहार रही थी। और फिर मैं वीडियो भी कैप्चर कर रही थी। आप यहाँ देख सकते हैं ट्राइपॉड मैंने रखा है मंजिल के ऊपर, और जो धुंध आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ उड़ रही है, मुराल डंडे की तरफ, तो घनी घनी धुंध थी। तो मैंने सोचा कि मैं टाइम लैप्स करके इसको कैमरे में कैद करूँगी और फिर रील्स बनाऊँगी इंस्टाग्राम के लिए। तो मैं वही पल कैप्चर कर रही थी। तो ये वाले पल कैप्चर करने के बाद मैं गौशाला गई। मौसम खुल चुका था तो कुछ छिलके थे, आम के छिलके थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, एक छोटी बच्ची है वहाँ पे और गाय है, तो क्यों ना मैं उनको ये छिलके दे दूँ। तो इसलिए मैं गौशाला गई थी। और यहाँ पे बहुत प्यारा एक छोटी सी बच्ची थी, तो मैं हमेशा उसकी वीडियो लेती थी, रील्स बना के इंस्टाग्राम पर डालती थी। तो आज भी मैंने वही सोचा कि आज मैं वीडियो ही ले लेती हूँ। इसको खाओ, थोड़ा सा खाओ इसको, खाओ खाओ, खाते हैं, खाओ खाओ, इसको नहीं आता खाना, लो खाओ इसको, खाओ खाओ, यहाँ नीचे, इसको नहीं आता खाना, इसको खाना नहीं आता, चॉकलेट नहीं, कोई बात नहीं, हम देंगे आपकी मम्मी और मासी को। नहीं, हाथ से खिलाओ उसको। ये हाथ से कहाँ खाएगा, हाथ से खाती है। ये लो, मैंने खिलाया परसों, ये लो, रुको इसको देंगे, बाकी देंगे इन दोनों को, एक दो, ये खिलाऊंगी इसको हाथ से, ये लो ये लो ये लो ये लो, लो बच्चा तो आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, और इसे जो भी देखता था और वो उससे प्यार करने लग जाता था। तो ये थी नेक्स्ट डे की सुबह, और ये वाली सुबह भी सेम वैसी ही थी जैसी पिछले दिन थी। धुंध छाई हुई थी, आसपास का माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन आज था कि आज बारिश नहीं हो रही थी उतनी ज़्यादा। और आज आप देख सकते हैं जो खलियान की मंजिल के पत्थर है वो भी बिल्कुल सूखे हैं, और जो व्यू है, व्यू तो बहुत खूबसूरत है। तो मैं भी अपना सुबह का जो काम है निपटा करके खलियान में आ गई थी, क्योंकि कुछ चोकर बचा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्ची और गाय को ये चोकर दे दूं। और मन में आया कि चलो मैं वीडियो भी ले ही लेती हूं। लो ये देखो, ये खाओ, ये खाओ, उठो खड़े, उठो खड़ा। मैं जब भी गौशाला जाती तो इस बच्चे की वीडियो हमेशा लेती, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी। नहीं खाना आता है, नहीं आता है खाना, नहीं आता है, ओहो खाना नहीं आता है, खा लो खा लो, नहीं खा रहने दो, फिर पीछे देती हूँ मैं आपकी मम्मा को, आपकी मम्मा को दूंगी पीछे, आपकी मम्मा खाएगी और आपको ना बाद में दूंगी, आपको बाद में दूंगी, है ना। और ये देखो चुच्चू, हम्म,
जब भी मैं गौशाला से आती तो मुझे चेहरा भी धोना पड़ता था, क्योंकि वो झूठा कर लेती थी चेहरे को। हाथ मुँह तो हम धो ही लेते थे वैसे भी, तो चेहरे को धोना पड़ता था। और बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई थी तो इसने घास खाना भी शुरू कर दिया था। और जो डाइट है, डाइट तो इसको प्रॉपर मिल रही थी, जैसे कि मिल्क वगैरह पूरा मिल रहा था इसको। और जो एक्स्ट्रा चोकर भी होता है हम उसे भी दे देते थे इसको। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब हम राज परिवार को सांत्वना देने के लिए राजमहल रामपुर गए थे, तो उस रात को क्या हुआ कि ये इसकी जो रस्सी है गले की वो छूट गई और ये जाकर दूसरी वाली गाय के साथ ही सो गई और वो अचानक से इसके ऊपर बैठ गई, और जिसके कारण इसका जो पीछे वाला पोर्शन है वो बिल्कुल डैमेज हो गया और ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, ना इसने घास खाया, और शाम होते होते इसकी डेथ हो गई। और जब तक हम आते तब तक इसकी जो डेड बॉडी है वो दबा भी ली थी और हमें ये देखने को भी नहीं मिली, जो कि काफ़ी दुख हुआ जब ये पता चला। बस इतनी ही यादें थी हमारे पास इस छोटी सी बच्ची की, तो मैंने ये यादें आपके साथ शेयर की है। बहुत दुख हो रहा है ये वीडियो देख के, और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरी ये छोटी सी प्यारी सी जो बच्ची है इसके लिए कुछ बताएं, इसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो इसी के साथ ही मैं ये वाली वीडियो यहीं क्लोज करती हूँ। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।